So let's start with the next exercise. In this second exercise, we have one new formula that is known as section formula. Now, let's understand the meaning of this. Suppose we have one line. The name of the line is AB, one line segment AB is there. And this line segment is divided by one point, and the name of that point is P. This P is dividing the line segment AB in two parts, but in some different ratio. And that ratio will be M1 ratio M2. Got it? Ratio can be 2 ratio 3, 3 ratio 7, can be anything. If it is given that they are equal, then the ratio will be 1 by 1. And if it is not given, then you will use the given ratio that was given in the question. Okay? So we have one formula. How you will write? Firstly, you will give name to this coordinate, that is x1, y1, x2, y2. And this is your xy. Okay? Now, this section formula helps you to find the coordinate of this point, the point which is dividing this line into ratio M1, ratio M2. देखो इधर दोबारा सेक्शन फॉर्मूले में आपके पास एक लाइन सेगमेंट है. द नेम ऑफ द लाइन सेगमेंट इज ए बी. कोऑर्डिनेट्स इसके गिवन होंगे. हो सकता है इसके कोऑर्डिनेट में से कोई मिसिंग भी हो, ऐसा भी हो सकता है. ये दिया होगा तो ये मिसिंग होगा, ये कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे तो ये फाइंड करना होगा, तीनों चीजें दी होंगी तो ये रेशियो फाइंड करनी होगी. इस तरह का क्वेश्चन है इसमें. ये जो पॉइंट है PXY, दिस पॉइंट इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो M1 रेशियो M2. Now this formula helps you to find the value of this coordinate. PXY is given by, देखो इधर कैसे है ये formula, M1 X2. ये जो M1 है ये इसके first coordinate के साथ multiply होता है, cross multiply होते हैं. ये इसके साथ multiply होगा M1, क्या बन जाएगा M1 X2 plus M2 इसके साथ multiply होगा, क्या बन जाएगा M2 X1 अपॉन सम ऑफ द रेशियो दैट इज M1 plus M. अब आपने ये नोटिस किया कि ये सारा X में है, ये सारा क्या है, तो इसका मतलब ये आपको P का X कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करेगा. ठीक है, मतलब ये X की वैल्यू इससे आएगी. ठीक है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया कॉमा. सेकंड कैसे आएगा, सेम ऐसी जैसे वह X के लिए किया Y के लिए करेंगे, M1 into second coordinate M1 Y2 plus M2 into Y1 upon, बस यही है और कुछ भी नहीं, बस यही है. ठीक है, अब ये जो मैंने ड्रॉ किया ना, ये आपकी मर्जी है आपने करना या नहीं करना, बट मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगी कि फॉर्मूला लर्न हो या ना हो, ये जिसको करना आता है ना उसको फॉर्मूला भी बनाना आ जाएगा. फॉर्मूला यहीं से ही बनाया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया फर्स्ट के साथ, इसको फर्स्ट के साथ, इसको सेकंड के साथ, इसको सेकंड के साथ, बस हो गया, फॉर्मूला बन गया. ठीक है, इसलिए ये हर क्वेश्चन में ड्रॉ करेंगे और फॉर्मूला नहीं देखेंगे बार बार, इसी से निकालेंगे आंसर डायरेक्ट, वो भी बिना फॉर्मूला लिख दिया, डायरेक्ट यहाँ से देख के आंसर लिखेंगे. बस फॉर्मूला मेन है, ये मेन है, बस दो स्टेप है, इसके बाद क्वेश्चन खत्म हो गया, बस इतना ही है. लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अगर एक भी वैल्यू रॉन्ग हो गई तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, ये नोट कर लो फॉर्मूला, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. बस इस एक्सरसाइज में यही है और कुछ नहीं. एक चीज और बतानी है, पहले ये नोट करो, इसी से एक फॉर्मूला और बनता है वो भी यही लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है.
नहीं आती नहीं है पेपर में, कभी आई नहीं है, ठीक है। वैसे बुक में दी हुई है, अगर आप कहोगे तो मैं आपको वैसे बता दूंगी एक बार, इसमें दी हुई है, ठीक है। वैसे आती नहीं है, कभी नहीं आई एग्जाम में। और आप जो सिलेबस है ना, मैं आपको सेंड कर दूंगी आज, मैंने 9th में कर दिया, आपको आज कर दूंगी सेंड। उसमें आप रीड भी कर लेना, जो जो दे रखे हैं ना बस वही वही कर लेना, जो लेटेस्ट सिलेबस अभी आया एक दो दिन पहले है, ठीक है, उसमें दिया होगा, जो जो है बस वही वही करना है। इवन जो हमने डेरिवेशन की थी ना, साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर आपने पूछा था, उसी की दी हुई है, बाकी मुझे लगता है बाकी भी नहीं दी हुई, लेकिन बाकी मैंने करवा दी हुई है आपको। टेन स्क्वेयर थीटा प्लस सेक्स स्क्वेयर थीटा वगैरह कैसे डिराइव करते हैं, सेक्स स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा वन होता है, वो भी हमने डिराइव कर लिया था, दैट विल बी प्रूव्ड यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी। तो एग्जाम में सिर्फ लेकिन फर्स्ट आइडेंटिटी ही है प्रूफ, लेकिन हमने तीनों ही कर लिए थे, ठीक है। तो लेकिन पता होना चाहिए आपको कि कहाँ से आया है। अब देखो इधर, इसी में ना एक चीज और बनती है, वो क्या है, ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब रेशियो गिवन होगी। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होना है, व्हेन रेशियो इज गिवन, अदरवाइज आपने ये यूज नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये नहीं यूज करना, ये तब यूज करना है जब रेशियो गिवन है, ठीक है। अब सेकेंड केस है व्हेन रेशियो यू हैव टू फाइंड, ठीक है, सेकेंड केस हम फाइंड कर रहे हैं, व्हेन रेशियो इज टू बी फाइंड। तो क्या करेंगे अब देखो इधर, आपने एक चीज देखी कि यहाँ पर मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, अगर आपको याद हो, जब हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर किया था, जब किसी इक्वेशन में एक वेरिएबल मिसिंग होता है तो एक इक्वेशन फॉर्म होती है, और जब किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल मिसिंग होते हैं तो दो इक्वेशन फॉर्म होती है। लेकिन यहाँ पे तो एक ही रिजल्ट है, लेकिन वेरिएबल्स जो है दैट आर टू, m1 एंड m2। तो हमारे पास कंडीशन एक है, एक कंडीशन से दो इक्वेशन तो बन नहीं सकती, नहीं बन सकती ना। तो यहाँ पर जब सिंगल है तो आप क्या करोगे, जब आपने इक्वेशन फॉर्म करनी है, इक्वेशन फॉर्म करने के लिए मतलब एस जहां पर रेशो फाइंड करनी है, वहां पर आप ये यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि यहाँ डबल वेरिएबल है, और एक कंडीशन से कभी भी डबल वेरिएबल नहीं सॉल्व होता, या तो दो कंडीशन दी हो तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, आपके सामने ही है, ये दिया होगा, ये दोनों मिसिंग होंगे, यहाँ से इसको एक्स के साथ इक्वेट करोगे, इसको वाई के साथ करोगे, फिर एक और इक्वेशन होगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक इजी वे है, उसमें क्या करते हैं, ये जो m1 m2 है ना, इसको कंबाइन करके सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, अब इस पूरी इक्वेशन को ना, इन दोनों कंडीशन को m2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। देखो आप एक बार, बस लगेगा आपको कि थोड़ा सा डिफरेंट है, ये जो कर रहे हैं ना, ये वैसे बताने के लिए नहीं है, बुक में वैसे दिया हुआ डेरिवेशन ऑफ द सेकेंड फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले की एक और भी है, जब रेशो आपने फाइंड करनी है, ये उसकी डेरिवेशन है, ठीक है। वैसे एग्जाम में नहीं आती, लेकिन आपको ये पता तो होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, आपसे ही कोई कोई पूछ ले कि इससे ये फॉर्मूला कैसे बनाया, तो आपको तो क्लियर होना चाहिए ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम m1 m2 को कंबाइन करने जा रहे हैं। कंबाइन कैसे करना है, इसको m2 से कर देना डिवाइड। आप उठ के पीछे आ रहे हो, नजर नहीं आ रहा ना, यहाँ से पीछे चलो, इस पूरी कंडीशन को m2 से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा, m1 अपॉन m2 x2, इसको m2 से डिवाइड करोगे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, अपॉन m1 बाय m2 प्लस 1। क्लियर है, ये कहां से आई, इसको m2 से डिवाइड किया m1 बाय m2, इसको m2 से डिवाइड किया कैंसिल, क्या बच गया x1, इसको m2 से डिवाइड किया m1 बाय m2, इसको m2 से डिवाइड किया 1, ऐसे यहां डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, m1 by m2 y2 plus y1 upon m1 by m2 plus, ठीक है, क्लियर। अब ये जो वेरिएबल है ना, ये सेम है, इसे k सपोज कर लो, क्या करेंगे, इसे k सपोज कर लो, क्या बन जाएगा, k x2 प्लस x1 बाय k प्लस 1, k y2 प्लस y1 बाय k प्लस 1, इज इट ओके। नाउ वी हैव कन्वर्टेड डबल वेरिएबल m1 m2 टू k,
ठीक है, अब इजी है क्योंकि सिंगल। अच्छा ये किसके इक्वल है? पी एक्स वाई के, है पी एक्स वाई ही, ये पी एक्स वाई दे रहा है आपको। लेकिन बस ये है, ये डबल वेरिएबल है, ये सिंगल वेरिएबल। When ratio is given, you will use this formula. When ratio is to be find, you will use this formula. ठीक है, बस यही फर्क है। अब आपने ये करना नहीं है, नोटबुक पे नोट करना है, लेकिन कुछ लर्न नहीं करना, बस फॉर्मूले लर्न करना। ठीक है, अब फॉर्मूला भी आप देख, एक दो बार दो क्वेश्चन करने के बाद आप फॉर्मूला खुद आपको लिखना आ जाएगा कैसे करना। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके। एक चीज और बताएं आपको, अगर किसी चीज की रेशो इक्वल हो जाए, जैसे 1:1 हो जाए, अभी आपने पूछा कि यहाँ पे रेशो इक्वल नहीं हो सकती, वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो देखो इधर, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, क्या बच जाएगा? x2 + x1 / 1 + 1 = 2। यहाँ क्या आ जाएगा? y2 + y1 / 1 + 1 = 2। बात समझ आई? इसमें कर लो कि ये रेशो, ये भी रेशो ही है, ये पता है कौन सी रेशो है बता सकते हो? यहाँ से m1 / m2 है, यहाँ से कौन सी रेशो है? k/1, यहाँ कुछ नहीं है ना, तो क्या आएगा? k/1, तो 1:1 ही हो गया अगर इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से भी सेम फॉर्मूला बनेगा, x2 + x1 / 1 + 1 2 बन गया, y2 + y1 / 2। ये जो बन रहा है ये एक फॉर्मूला है, दिस इज नोन एज मिड पॉइंट फॉर्मूला। एक लाइन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, सुन लो पहले इधर दोनों, एक लाइन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, उनकी रेशो 1:1 है। मतलब वो जो पॉइंट है वो कोई अलग पॉइंट नहीं है, वो उनका क्या है? मिड पॉइंट है। तो ये जो फॉर्मूला भी बोला है ना हमने, दिस इज नोन एज मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब है पॉइंट एक्स वाई था, पी एक्स वाई, लेकिन वो उस लाइन को पर्टिकुलरली 1:1 में डिवाइड कर रहा था। तो हमारा फॉर्मूला बन गया, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई बन गए x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। तो दिस इज नोन एज मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये भी डराइव यहीं से ही हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में अलग से आता है। ठीक है, वो भी हम करेंगे अभी आगे। इसके बाद ये भी लिख लो ये भी थर्ड पॉइंट, ये फर्स्ट था, ये सेकंड, थर्ड पॉइंट इज व्हेन m1 / m2 = 1:1 k1 / k1 = 1:1। मीनिंग तो एक ही है ना। अच्छा ये बताओ कि ये दोनों सेम क्यों है? क्योंकि हमने k को क्या सपोज किया था? m1/m2। और यहाँ पे अगर मैं m1/m2 पुट कर देती हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके m1 / m2 ही तो आ जाएगा। गॉट इट? तो ये सेम ही है। अब देखो इधर, इफ द रेशियो इज 1:1 देन मिड पॉइंट, देन पी एक्स वाई बिकम्स द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन पी एक्स वाई बिकम्स द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इस साइड पे रहो, ठीक है, मिड पॉइंट बन जाएगा। पी एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी जय आदित्य? क्या होगी वैल्यू पी एक्स वाई की? मिड पॉइंट का फॉर्मूला अभी बताया था, क्या हो जाएगा? m1 m2 1 हो गए, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? अभी बताया है, बोलो अर्पित। अपॉन टू x1 + x2 / 2, नेक्स्ट क्या आएगा? y1 + y2। ऑर्डर चेंज कर दिया क्योंकि पहले x आएगा फिर y आएगा। ठीक है, x1 पहले फिर x2। ध्यान से सुनो, बाद में इतना सारा पाइलअप हो जाएगा, कौन करवाएगा आपको? सुनने के साथ आंसर भी तो देने हैं आपने। ठीक है, अब बस सारी एक्सरसाइज इसी पे डिपेंड है। किसी क्वेश्चन में रेशो दी होगी तो फर्स्ट फॉर्मूला, निकालनी है तो सेकंड फॉर्मूला, मिड पॉइंट कहता है तो थर्ड फॉर्मूला, बस यही है। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन।
फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो, रीड करो फर्स्ट क्वेश्चन, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो जल्दी से, कोऑर्डिनेट्स लिखो जैसे मैंने ड्रॉ की थी ऐसी। नहीं जरूरी तो कुछ भी नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब हम फिगर नहीं बनाते ना तो हम फॉर्मूले को बार बार देखते हैं, यहाँ फॉर्मूला नहीं देखना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया सीधा आंसर बस। एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग -1, 7 एंड 4, -3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, इसका क्या मतलब है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट? साकेत क्या मीनिंग है इसका, किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं? वेरी गुड, पी एक्स वाई फाइंड करना है। अगर क्वेश्चन का मीनिंग समझ आ गया ना तो समझ लेना ये समझ आ गया, उसके बाद आप फिर जरा भी डिफिकल्ट नहीं है। कहता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो जो इस लाइन को डिवाइड करता है, किस रेशियो में? 2:3। किस में डिवाइड करता है? ये क्या है, ये क्या है M1, ये क्या है, ये निकालना है, ये क्या है A, ये क्या है B, X1 Y1 X2 Y2, इसको A और B में, ठीक है। अब बस अब पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूले के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, पहले यहाँ देखो हमने PXY फाइंड करना है, सेक्शन फॉर्मूला यहाँ लिखना है, लिखना जरूर है क्योंकि कई बार कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक है तो इसके तो मार्क्स मिलेंगे ना, नहीं तो वो भी चले जाएंगे नहीं लिखोगे। अब यहाँ देखो हम फाइंड कर रहे हैं PXY, इधर देखो, हाँ जी इस बार तो MCQ में आएगा, इस बार का पेपर MCQ में आएगा, आगे सब्जेक्टिव आना है तो आएगा तो सब कुछ ही, ठीक है, लेकिन प्रिपेयर आप उसके अकॉर्डिंग ही करो। इस बार MCQ फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं MCQ में, ठीक है, 3-4 फॉर्मूलाज लिखे होंगे, कोई रॉन्ग होगा कोई करेक्ट होगा, उसमें से फाइंड करना होगा, लर्न होगा तो फाइंड करोगे ना। देखो इधर इस फर्स्ट वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ, प्लस इसको फर्स्ट के साथ, 3 × -1 अपॉन M1 + M2 दैट इज 5, ठीक है। अब ये इसको पहले x के साथ मल्टीप्लाई किया था, आप किसके साथ करेंगे, y के साथ, 2 × -3 + 3 × 7 अपॉन 5, बस हो गया। 2 × 4 = 8, 8 − 3 = 5, 5/5 = 1, −6 + 21 = 15/5 दैट इज 3। मैंने कहा था ना दो ही स्टेप है, बस फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या था बोलो, फॉर्मूला फर्स्ट वन बेटा बोलो, फॉर्मूला बोलो, सेक्शन फॉर्मूला M1 by M2 नहीं, M1 X2, हाँ X2 + M2 X1 Y2, पहले 2 आएगा, फिर M2 upon M1। जिसको ये डिफिकल्ट लगे वो फॉर्मूला लर्न कर लो, वैल्यूज पुट कर दो वो भी चलेगा, बस कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, ठीक है। मैम अगर वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर आ जाए तो डेसिमल के अंदर करेंगे? हाँ जी हाँ जी, ओके अगर फ्रैक्शन में आता है ना आंसर तो डेसिमल में फाइंड कर देना,
अगर यूज करना हो कहीं आगे वाले स्टेप में, अभी देखना अगले क्वेश्चन में यूज होंगे, जब यूज करनी है तो फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, डेसिमल में भी कर सकते हो, और फाइनल आंसर डेसिमल में देना सारा सॉल्व करके। अच्छा देखो इधर क्वेश्चन नंबर टू देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, यहाँ लिखा था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, देखो इधर बुक में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, सेकंड में लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, पॉइंट्स का मतलब क्या है, ज्यादा पॉइंट आएंगे यहाँ पर, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट 4-1 -2 -3, एक चीज मिस करिए क्या, ट्राइसेक्ट वर्ड दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट, ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है, तीन पार्ट में, बाइसेक्ट होता तो, और जब बाइसेक्ट होता तो हम सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगाते, क्या लगाते, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन, मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसका मतलब दैट पॉइंट मस्ट बी द मिड पॉइंट ऑफ दैट लाइन, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला यू विल डायरेक्टली अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, दैट इज x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक है, बट इस केस में कहता है ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब 1:1:1, ये मतलब है इसका, मतलब तीनों साइड तीन पार्ट में, पूरी लाइन तीन पार्ट में डिवाइड हो रही है। अब देखो इसको दे दो ए, इसको दे दो बी, इसे दे दो पी, इसे दे दो के, अब बता सकते हो कैसे करेंगे क्वेश्चन, ए बी से ए, ए क्यू कैसे, हाँ जी बिल्कुल, देखो इधर अगर आप सपोज करो इसको छोड़ देते हो, अभी एक डिस्कस करते हैं, अभी ये पार्ट कितना है 1:1, ये पार्ट कितना है 2:1, तो पी पॉइंट जो है दैट इज डिवाइडिंग ए बी इन द रेशो 1:2, ठीक है, तो पहले पी फाइंड कर लेंगे फिर आते हैं क्यू पे, क्यू को बाद में देखेंगे, ठीक है, जैसे आप कह रहे थे ना वैसे आ नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि सपोज आप क्यू यहाँ ले लेते हो, आपके पास x1 y1 गिवन है, y वाला जो x2 y2 है वो मिसिंग है, अब सपोज मैं आपकी तरह से स्टार्ट कर देती हूँ ऐसे करके, x1 की वैल्यू पुट कर देती हूँ, x1 की वैल्यू पुट कर दी 4, यहाँ पे क्या मिसिंग है, x2 मिसिंग है, यहाँ पे मैंने y1 ले लिया, यहाँ y2 मिसिंग है, अब मैं इसको कंपेयर करती हूँ, ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, फाइंड नहीं हो सकता, ठीक है, इसका मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला तब लगेगा जब पी एक्स वाई या तो दिया हो या इन दोनों चीज, ये दोनों दी हो, तीन चीजें हैं, एक ये दोनों और एक पी एक्स वाई, मतलब ये जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है इस लाइन को दो पार्ट में, तीन चीजें होनी चाहिए, 1, 2, 3, तीन में से कम दो होनी चाहिए तब, अभी तो ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, इसलिए नहीं लगा सकते, आप बात समझ रहे हो, P जो है वो A और Q का मिड पॉइंट है, ठीक है, दिखाई दे रहा है 1:1 में डिवाइड कर रहा है, ये गिवन है, P भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो दो चीजें अननोन है, कैसे फाइंड करेंगे, या तो दो चीजें दी हो एक मिसिंग हो तब यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी तो दो मिसिंग है ना, तो दो नहीं फाइंड हो सकते, इसलिए ये फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता, यूज होगा जरूर लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट है, ठीक है, जब आपके पास P आ जाएगा ना तो Q जो है वो P और B का क्या है, Q जो है वो PB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है 1:1 में, इसका मतलब Q क्या बन जाएगा इसका, मिड पॉइंट, तो तब आपके पास P आ गया होगा, B ऑलरेडी है, Q निकल जाएगा, एक मिसिंग है, तब यूज करेंगे लेकिन अभी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही अननोन है, इसलिए कोई और वे नहीं है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना एक बार तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, अगर यही क्वेश्चन 4 पार्ट्स वाला होता, ये है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में सेम ऐसे है, लेकिन वो कहता है यहाँ पे 3 पॉइंट्स है जो इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, वहां नहीं लगेगा सेक्शन फॉर्मूला, वहां सीधा मिड पॉइंट लगेगा, वो अभी जब उस क्वेश्चन पे आएंगे ना तब आपको बताएंगे, जहाँ ट्राइसेक्ट होगा ऑड नंबर वहां पे एक बार सेक्शन फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर इवन पार्ट्स में डिवाइड होता है फिर नहीं लगेगा, फिर मिड पॉइंट से चल जाता है, जब उस क्वेश्चन पे आएंगे तो एक बार फिर एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, अब देखो इधर, लेट
जो जो भी नेम देने हैं हमेशा लिखने हैं जैसे स्टार्टिंग से लिखे थे डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको ए और बी नेम दिया है, लिखना है, पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखा, लिखना है। लेट ए 4.1, बी -2.3 एंड पी x.y डिवाइड्स ए बी इन 1:2। ये ठीक है, ये क्लियर है। पी को एक्स वाई नेम दे दिया एंड दिस पॉइंट इज डिवाइडिंग ए बी इन द रेशियो 1:2। रेशियो गिवन है, फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला, और रेशियो फाइंड करनी होती तो सेकेंड फॉर्मूला के वाला। ठीक है, अब पी एक्स वाई फाइंड करना है, रेशियो गिवन है, एक्स वन वाई वन गिवन है, एक्स टू वाई टू गिवन है, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, चलो लगाओ सेक्शन फॉर्मूला। क्या फाइंड कर रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला से हम? अर्पित क्या फाइंड कर रहे हैं? हाँ अर्पित आप ही हो। हाँ जी पी फाइंड कर रहे हैं। हाँ जी पी फाइंड कर रहे हैं, पी एक्स वाई इज इक्वल टू, हाँ जी पी एक्स वाई फाइंड करने जा रहे हैं। इस फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। एम वन एक्स टू 1 × -2 प्लस किससे करेंगे? 1 को -2 से कर दिया, अब किसकी बारी है? 2 को इससे, 2 × 4 = 8 अपॉन एम वन प्लस एम टू 3। अब किसकी बारी है? वाई कोऑर्डिनेट 1 × -3 क्या आएगा प्लस 2 × 2 × किससे मल्टीप्लाई करना है? -1 से। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो आप फॉर्मूले में पुट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लो फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, सेम ही आएगा लेकिन मैं दोबारा बता देती हूँ। एम वन क्या है? 1, एक्स टू -2, एम टू क्या है? 2, एक्स वन क्या है? 4 अपॉन 3, एम वन क्या है? 1, वाई टू -3, एम टू 2, वाई वन -1 आएगा। सेम वहां से देखो या फॉर्मूले में लगाओ, एक ही बात है। क्या आ रहा है? 8 − 2 = 6, 6/3 = 2 -3 − 2 − 5/3। अब इसको डेसिमल में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, लेकिन अभी आगे यूज होना है इसलिए ऐसे ही छोड़ दो, आंसर में बाद में फाइनली डेसिमल में कर देंगे, अभी नहीं, अभी जरूरत है इसकी, जब यूज कर लेंगे बाद में देखते हैं। अब आपके पास पी आ गया, आपके पास पी आ गया, अब क्या करेंगे साहर्ष? हाँ जी बोलो। पी आ गया आपके पास 2 − -5/3, अब क्यू फाइंड करना है, कैसे करेंगे? अभी बताया था स्टार्ट करने से पहले ही, बोलो। बैठ के सो रहे हो आप? क्या क्या लग रहा है? पहले लगता है पढ़े ही नहीं कुछ, बिल्कुल भी नहीं। अब तो समझो आ गए हो, तो नहीं तो बाद में कौन कराएगा। पी पॉइंट आ गया, अब क्यू जो है वो पी और बी का क्या है? क्यू मिड पॉइंट है, क्योंकि ये इसे 1:1 में डिवाइड कर रहा है। 1:1 का मतलब है कि ये इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो अब हम नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे? Q के लिए स्टार्ट करेंगे, राइट डाउन Q। अब एक्स वाई दे चुके हैं, Q को नेम कुछ और देना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट क्या दें? जेड डब्ल्यू दे दो, यू वी दे दो, कुछ भी दे दो। ठीक है, राइट डाउन लेट Q यू वी बी द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है? पी बी का, पी बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, अब मिड पॉइंट से जो ये आपने सपोज किया ना, ये वाला आएगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू वाई वन प्लस वाई टू। ठीक है, बार बार रिपीट करना है तभी आएगा। फॉर्मूले में एक्स वन वाई वन ही लिखेंगे, फाइंड यू वी कर रहे हैं। देखो ना इधर मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखेंगे, that is x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2। find क्या कर रहे हैं? लिखना छोड़ दो, पहले सुन लो, रुक जाओ, पहले सुनो इधर, understanding ज़्यादा important है।
यू क्यू फाइंड कर रहे हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है, यू कॉमा वी। अब हम जो क्यू है ये किसका मिड पॉइंट है, पी और बी का, मतलब पी और बी पे लगाना है। ये क्या बन जाएगा, एक्स वन वाई वन, ये बन जाएगा एक्स टू वाई टू, ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि क्यू इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू, ठीक है। ये वैल्यूज लेनी है, एक्स वन कितना है टू, एक्स टू कितना है माइनस टू अपॉन टू, वाई वन कितना है, वाई टू कितना है माइनस थ्री अपॉन टू, दिस इज जीरो, यहाँ एलसीएम लो, माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस नाइन बाय थ्री अपॉन टू, ठीक है, कितना आएगा माइनस फोर्टीन बाय सिक्स, ठीक है, ये ठीक है, क्लियर है, ये भी डिनोमिनेटर है, ये भी, तो दोनों डिनोमिनेटर कंबाइन हो जाएंगे, मल्टीप्लाई सिक्स हो गया, कटिंग कर लो कितना आएगा सेवन बाय थ्री, जीरो माइनस सेवन बाय थ्री, ये किसके कोऑर्डिनेट है, क्यू यू वी, क्यू के कोऑर्डिनेट है, ये एक्स है ये वाई, नेम यू वी जरूर दिया है लेकिन पहला रिप्रेजेंट एक्स को करता है, दूसरा रिप्रेजेंट वाई को, ठीक है। नहीं डेसिमल के बाद टर्मिनेटिंग है या नहीं है, जो भी है एक या दो तक बस फाइंड कर देना, आगे नहीं देखना आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस पेपर्स उठा के देखो, आपको इस सेक्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन जरूर मिलेगा, फर्स्ट का मिले या ना मिले इसका जरूर मिलेगा, और फर्स्ट में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन नंबर सिक्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो आता है पेपर में, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इस एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला आता ही है, ठीक है, क्योंकि इसी में ही मिस्टेक होती है और यही वाला आता है, मिड पॉइंट ईजी है, डिस्टेंस फॉर्मूला भी ईजी था, बस यही फॉर्मूला एक मेन है बस, इसके बाद एक रह जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो डिलीटेड है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दूंगी आंसर चेक करने की, आपका हेल्प हो जाएगी। दो फॉर्मूले टोटल रहते हैं अभी, फाइव फॉर्मूले हैं, दो रहते हैं अभी, आगे करेंगे वो भी, अभी तो ये एक्सरसाइज में टाइम लगेगा अभी, ये क्लियर है। एक बार ना जरा फिर से सुनो सारा कुछ जो मैंने इस क्वेश्चन में बताया, क्योंकि ये समझ आना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया ना तो समझ लेना एक्सरसाइज समझ आ गई, क्योंकि ये इसी की अंडरस्टैंडिंग है मेन, लिखना आए या ना आए पहले ये पता होना जरूरी है कि हम कर क्या रहे हैं। आपके पास एक लाइन थी जिसका नेम था ए बी, ए बी नेम गिवन नहीं था, हमने दिया था, ठीक है, हमें सिर्फ इतना ही गिवन था कि इसके कोऑर्डिनेट गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है, कहते हैं इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं टू पॉइंट्स जो इसको थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ये थ्री इक्वल पार्ट हो गए, पॉइंट कितने आ रहे हैं टू। हाँ जी मैं आपके लिए दोबारा बता रही हूँ, उसको छोड़ दो मिनट सुनो पहले से, ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो इस लाइन को थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, वन टू थ्री में, ठीक है, जितने पार्ट में डिवाइड करेंगे ना उससे एक लेस पॉइंट होंगे, अगर फोर पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो थ्री पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिए, यहाँ थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है इसका मतलब टू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिए, इसको P ले लिया, इसको Q ले लिया, इसकी रेशियो वन 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 है, तो P पॉइंट जो है इस पूरी लाइन को, इसको छोड़ दो अभी के लिए, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वन रेशियो टू में। अगर सपोज करो मैं P ना फाइंड करती, हो सकता है हम पहले Q फाइंड कर लेते, टू रेशियो, बस ये समझ आना जरूर, रेशियो गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट ले लेंगे एक्स वाई, ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू, फॉर्मूले में पुट कर दो, ये एम वन एम टू, ठीक है। अगर पहले क्यू फाइंड करते तो रेशियो ये होती, अब पी फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, हाँ जी पी विल बिकम द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, एंड फॉर दिस यू विल यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये x1 y1, ये x2 y2, इन दोनों का जो सम करके आएगा वो आपको p देगा। अब जरूरी नहीं है कि नेम बार बार देने ही है, मत दो, अब मत दो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है ना कि p x y क्यों दे, हमें नहीं समझ आ रहा, या u v क्यों दे, आप मत दो, आप सीधा p फाइंड कर लो, आप ऐसे लिख के फाइंड कर लो सेक्शन फॉर्मूला, बाद में आंसर में लिख, बाद में ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा, मत लिखो कंफ्यूजन होता,
दोबारा नेम यूवी मत दो, सिर्फ क्यू लिख दो, कोई बात नहीं चल जाएगा।